ठीक हो जाऊंगी, आराम कर लूंगी, सारे दिन घर बैठ के बोर हो जाऊंगी। सोचा तेरी पसंद का खाना बनाना। आई नो माँ, बट हॉस्पिटल में इतना सब कुछ हो रहा है कि मुझे खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता। ये लो कुड़ी दी गल सुनो, टाइम नहीं मिलता, सारे पेशेंट का ख्याल रखती है, अपना ख्याल नहीं रख सकती। माँ रोज हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं कि खाना खाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आप प्लीज मेरी टेंशन मत लो, आप आराम करो। बस ये कुड़ी भी सारे कोविड के बीच में रहती है, सारे कोविड पेशेंट्स के। माँ कल मैंने पूरा दिन छुट्टी ली है, मैं आपके साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करूंगी और खाना भी खाऊंगी, आई प्रॉमिस। ओके नाउ आई रियली हैव टू गो, बाय, यू टेक केयर, बाय माँ, बाय। अरे कोमल बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, तुम सुनाओ, लेट हो रही हो क्या? हाँ आंटी, मुझे हॉस्पिटल जाने में लेट हो रहा है और ये बस आ ही नहीं रही है बेटा। एनीवे आप बताइए आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा, तुम तो जानती ही हो ये प्राइमरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स फिर से सब खुल गई है तो वर्क प्रेशर भी बढ़ गया है बेटा। तो आप अभी तो टीचिंग करती हैं आंटी? ना ना वे टीचिंग नहीं है, अब तो मैं वाइस प्रिंसिपल हो गई हूँ। हाँ लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ गई है तो अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता, तो मैंने सोचा ग्रोसरीज करने के बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। आई नो आंटी, आजकल लाइफ कितनी बिजी हो गई है ना। हाँ बेटा, मैं यही बात माँ को समझाती रहती हूँ पर वो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझती। वैसे अब उनकी तबीयत कैसी है? हाँ वो अब ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। चलो हाश, बट अभी भी मुझ पर चिढ़ती है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। अरे बेटा आफ्टर ऑल शी इज योर मदर, ठीक है ना, और घर पे बैठे बैठे बेचारी बोर हो जाती होंगी। वो ऐसे ही होता है बेटा, लेकिन तुम उसको मन पे मत लेना ठीक है। चलो अपना ध्यान रखना और देखो कुछ काम हो तो मुझे फोन जरूर कर देना। हाँ so much, चलो लेट्स होप आपके पास जल्दी आ जाए। ठीक है बाय आंटी। हाय मोहित। हाय कोमल। सॉरी यार मैं लेट हो जाऊंगी, तुम प्लीज वहाँ संभाल लेना। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच यार, बस मैं वहाँ आधे घंटे में पहुँच ही जाऊंगी और फिर मैं तुमसे मिलती हूँ। ओके चलो मैं तुमसे मिलती हूँ। अच्छा अरे सुनो कुछ कहना था, अर्ज किया है वो आएंगे हमारे दर पे हमसे मिलने, हम पलके बिछाए बैठे हैं। वो आएंगे हमसे मिलने, हम पलके बिछाए बैठे हैं, यहाँ पेशेंट्स की लाइन लगी है और हम दिल लगाए बैठे हैं। Oh my God, Mohit, not again. तुम और तुम्हारी शायरियाँ। Okay, चलो मैं जा रही हूँ, मेरी बस आ गई है। Okay, 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 bye, bye, bye. All right, see you. Thank you so much for helping, यार. आज तो बहुत busy दिन लग रहा है. तुम्हारा क्या schedule है? Same story. आज 30 नए patients आए हैं. और 5 हेल्थ वर्कर पहले से छुट्टी पर जा चुके हैं, तो इट्स गोना बी वेरी टफ डे। मेरा भी सेम है और मेरी कल की छुट्टी भी कैंसिल हो चुकी है। मैंने माँ से प्रॉमिस किया था कि कल मैं पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करूंगी, अब क्या करूं? कोई नहीं, तुम नेक्स्ट वीक छुट्टी ले लेना, और मैं तो सोच रहा था क्यों ना इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। वो किस लिए? मैडम हमें मिले हुए 1 साल हो चुका है और तुमने अभी तक मुझे होने वाली सासू माँ से मिलाया ही नहीं है। वो भी जरूर मिलवा दूंगी। By the way, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। हाँ पर कभी कभी वो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती है, जैसे मैं अपना ख्याल ही नहीं रख सकती। अरे तुम बच्ची हो, तुम्हें कोई शक है क्या? एक तो यहाँ माँ का फोन नहीं लग रहा है और तुम पीजे में पीजे क्रैक कर रहे हो। अरे वो सोने चली गई होंगी। अभी कहाँ, अभी तो उनका रेडियो पे फेवरेट चैनल चल रहा होगा। क्यों ना तुम किसी फ्रेंड को फोन करके पूछ लो। ओ यार अपर्णा आंटी, I just met her today. I'll just call her quickly. अरे कोमल, हेलो हेलो आंटी,
मैं कोमल बोल रही हूँ। हाँ बेटा कोमल, बोलो कैसे फोन किया? वो आंटी, माँ का फोन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा मैं आपको फोन करके एक मैसेज दे दूँ। हाँ बेटा जरूर बोलो, क्या मैसेज देना है? वो एक्चुअली आंटी, हॉस्पिटल में थोड़ा काम बढ़ गया है और इस वजह से मेरी कल की लीव कैंसिल हो गई है, तो मुझे बस माँ को ये मैसेज देना था कि मैं कल सुबह की जगह कल रात में लौटूंगी। आप प्लीज ये माँ को बोल देंगी? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर मैसेज दे देती हूँ, ठीक है? अच्छा हाँ, थैंक यू सो मच आंटी। और एक और चीज, कई दिनों से माँ बहुत परेशान रहती हैं, तो आप प्लीज उन्हें समझा देना। हाँ बेटा मैं समझ गई, इसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी ना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अपना काम करो आराम से, मैं जाकर मैसेज भेज देती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच आंटी, आई विल टॉक टू यू सून। ओ आंटी, अगर आप मुझे, आप माँ से बात करने के बाद प्लीज मुझे टेक्स्ट करके बता दीजिएगा, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगी। हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप आराम से काम कीजिए वहाँ पे, ठीक है? चलो थैंक यू, बाय बाय बेटा। चले मैडम, वहाँ पर सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, एक बार मेरे ख्याल मैं आप सब थोड़ा जल्दी चलाता हूँ, फिर गुड नाइट बोलूंगा आपको। ढोकला आपका मन पसंद? थैंक यू जी। ये लो सुमन बहन जी, आपके लिए फेमस मेरा ढोकला। ओह देखो मैं भी तुम्हारे लिए कॉफी बनाती, मैं भी पी रही थी। हाँ हाँ आप ही आए, आप ही आए। अरे सुमन बहन कैसी हो? अरे क्या बताऊं, घर पर बैठे बैठे ना बोर हो जाती हूँ। हाँ, अभी रेडियो सुनते सुनते आंख लग गई, बड़ा अच्छा हुआ आ गए। कॉफी पिए बगैर तो बात नहीं कर सकती मैं। वाह मजा आ गई, सुमन बेनी फेमस कॉफी। क्या फेमस, कोमल तो रोज ही छोड़ जाती है। वैसे आज मुझे वो बस स्टॉप पे मिली थी, लेट हो रही थी इसलिए भूल गई होगी। ना जी ना, ये तो रोज की कहानी है, छोड़ो जी। कैसे आना हुआ? अरे भाई तुम तो जानती हो कोविड के दौरान कहाँ एक दूसरे के घर आना जाना हो पाता था, इसलिए तो नहीं मिल पाई आपको। अच्छा हाँ, आज तो एक्चुअली तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो कोमल ने मुझे फोन करके आपको मैसेज देने के लिए कहा है। कहीं कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? ना ना, वो कहीं ना थी, नहीं घबरा। नहीं, उसका मैसेज यही था कि हॉस्पिटल में स्टाफ की शॉर्टेज होने की वजह से काम उसका काफ़ी बढ़ गया है और उसकी छुट्टी भी अनफॉर्चुनेटली कल की कैंसिल हो गई है, तो उसने कहा है कि वो कल सुबह आने की बजाय वो कल सीधे रात को लौटेगी। और हाँ, उसका फ़ोन भी बंद रहेगा तो उसको फ़ोन मत करना, ठीक है? मैं उसको मैसेज कर देती हूँ वरना बेचारी परेशान रहेगी। मैं क्या करूँ, देखो जी जब से कोमल के पापा गए हैं ना, इस महीने 3 साल होने वाले हैं, मैं तो बड़ा अकेला अकेला महसूस करती हूँ। देखो जी सारे अपने परिवार वालों का ख्याल करते हैं कि नहीं, पर ये कोमल को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। सारे वक्त घर में बैठ के सड़ते रहो सड़ते रहो, और ये कोविड शोविड ने जी बहन जी घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया, बड़ा डर लगता है मैंने तो, निकला ही नहीं जाता घर से। ऐसी बात नहीं है सुमन बहन, ये वो कहीं न थी, कोमल तो बड़ी प्यारी बच्ची है, ये तो उसकी ड्यूटी है, आपको तो खुश होना चाहिए। बाकी लोग तो घबरा के सब अपने घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन ये तुम्हारी बेटी देखो ना कैसे सबकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है, ये भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन मेरी तरफ उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, मैं भी फिकर करती हूं उसकी, उसको भी मेरी फिकर करनी चाहिए। फिकर उसकी भी है, उसकी शादी की भी है, की करां? बिल्कुल है। देखो सुमन बहन, देखो जैसे हमारे जवान हाँ
सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, होली हो। तो वैसे ही ये कोविड के दौरान हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हम सबकी सुरक्षा के लिए अपनों से दूर जाके सबकी मदद कर रहे हैं। बहन जी, ठीक है, ठीक कह रहे हो आप, लेकिन इतना सारा काम बचा है, कोमल के पास तो टाइम ही नहीं है वो करने का। बैंक का काम है, बिल भरने हैं और भी बहुत कुछ, कौन करेगा? अरे इस बात की तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट करना सब सिखा दूंगी। पता नहीं जी, इस उम्र में मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, देखो एक काम करो, ये जो ऐप है ना, मैं हाँ हाँ, आ जाओ बैठो, आ जाओ सुमन बहन। ये देखो, ये जो ऐप है ना, ये डाउनलोड करो और इस ऐप से फिर ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट सब चुटकी में हो जाएगा। आसान लग रहा है मेरे को तो पता ही नहीं था, बड़े सयाने हो आप जी। नई चीजों को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस सीखने की चाह होनी चाहिए, समझी? ठीक कहते हो जी आप। आई रब्बा, मेरी कमर। क्या हुआ, मैं कुछ मदद कर दूं? सुमन बहन, वरना बहन जी छोड़ो, पहले मैं ना योगा की क्लास में जाती थी। हाँ। अब ये कोविड के मारे वो भी बंद हो गया घर से निकलना। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो योगा के सेशंस यूट्यूब, फेसबुक सभी जगह पे ऑनलाइन कर सकती हो, वही ज्वाइन कर लो। वो कैसे जी? बड़ा सिंपल है, देखो मैं दिखाती हूँ। ये रहा यूट्यूब, वहां जाके योगा ऑनलाइन, देखा कितने सारे ऑप्शंस हैं, है ना? वाह जी वाह। हाँ लो, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मुझे वो कहते सुनते रेडियो वाले मनवीर सिंह जी कोहली है ना, उनको फोन करना था हमारे प्रोग्राम के बारे में। एक मिनट। हाँ सुमन जी, और ये देखो अब मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, ठीक है? देखो कितना आसान है, सामने मुझे वो मनवीर जी दिखेंगे और मैं उनको दिखूंगी, आसान रहता है ऐसे कम्युनिकेशन करना। हेलो, अपना जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मनवीर जी, आप कैसे हैं? अरे मैं भी ठीक हूँ, और बताइए कैसे याद किया इस समय? मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप हरमन फाउंडेशन के फूड फॉर द नीडी प्रोग्राम और उनके भी सारे सर्विसेज के बारे में अपने लिसनर्स को कुछ बता दें। अरे बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। और ठीक है, तो फिर कल 8 बजे इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। हाँ हाँ मनवीर जी, थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारी मदद करते हैं। अरे इसमें थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज है। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, थैंक यू, बाय। देखा कितना आसान था। और एक और बात बताऊं, ये है ना हमारे सारे प्रोग्राम्स अपने फेसबुक पेज पे रखते हैं, वो पिछले हफ्ते हमारी एक इवेंट हुई थी, ये देखो एक मिनट, ये फेसबुक पे देखो ये। अच्छा, हाँ उसकी हाईलाइट है। सुनो मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर सबकी मदद करने में मेरी हेल्प करो। वो कैसे? देखो मैं कई एनजीओ ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटियर करती हूँ। अच्छा। हाँ, इनफैक्ट हरमन फाउंडेशन की जो फाउंडर है उसको तो मैं पर्सनली जानती हूँ। उनकी ट्रस्ट 24/7 टेलीफोन क्राइसिस लाइन, सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स और फूड फॉर नीडी जैसे सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनका फूड फॉर द नीडी प्रोग्राम हर हफ्ते थर्सडे को होता है, जिसमें ज़रूरतमंद और बेघरों को खाना दिया जाता है। परंतु सब कुछ कोविड सेफ तो है ना? हाँ हाँ, तुम इसकी टेंशन मत लो, उनके सारे वॉलंटियर्स और स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड हैं और कुछ लोग तो बूस्टर शॉट्स भी लगवा चुके हैं।
सुना है मैंने कि बूस्टर शॉट लगाने में थोड़े हिचक रहे हैं लोग। तुम घर पर अकेली रहकर बोर हो जाती हो हुँ? अपने फ्री टाइम में फूड सर्विस में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करती, है ना? या फिर चाहो तो घर पर बैठे बैठे उनकी 24/7 हेल्पलाइन सर्विस के जरिए लोगों की मदद करो। है जी? हाँ, ऐसा भी होता है। क्यों नहीं, इस तरह तुम्हारा टाइम भी कट जाएगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी। सच्ची, घर बैठे औरों की मदद। हाँ बिल्कुल, तुम खुद मेरे साथ सर्विस पे चलना और अपने आप फैसला करना, ठीक है? बिल्कुल सही जी, देखो आप बड़े होशियार हो, ऐसे ही थोड़ी वाइस प्रिंसिपल बन गए जी। बड़ा अच्छा लगा आप आए, घर में अकेले अकेले बड़ा 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 खराब लगता था मेरे को तो। इतना दिल हल्का हो गया ना। चलो अच्छा है सुमन जी, बने पर सारू लगी कॉफी तो पी। अरे हाँ हाँ, ठंडी थी। अब आराम से बैठ के बातें करते हैं, दूसरी कॉफी पीऊंगी मैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठंडी हो गई है ना, और बना डाला। चलेगा, अभी तो और बातें करेंगे आराम से, तो दूसरा कप ढोकला लिया। हाँ ऐसे करते हैं, चलो 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 उधर ही चलते। हाँ चलो ढोकला खा लो। माँ ये लो माँ, मैंने सब पैक कर दिया आपके लिए। थैंक यू बेटा। ये रो रही है मुझे आज। देर हो जाएगी, फिकर मत करना। अच्छा माँ, आपको बिजी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी ना समझ गई हूँ कि जब पूरा टाइम होता है ना तो अपनों के बारे में ही सोचने की फिक्र होती है, लगता है कुछ हो ना जाए। उन लोगों का क्या जिनका कोई है ही नहीं, है ना? खुद मैं चलती हूँ। अच्छा, लफ्जों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तो देख करना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। We'd like to encourage you to participate and join us, give your donation, come by and be with us here every Thursday and watch what's happening here. And I guarantee you that you will be blessed. Here's Madam to say some more things about that. Yeah, so Ray, what do you think, like how, when people come here, how do you connect with them? Like what is the connection here? Well, I think we connect with the people because they recognize us as part of the community. So we dress like them, yes. We speak like them. And then we share food, the most important thing. And when we share food, it's irresistible. We get into connection. We communicate, and I think a lot of these people would like to talk with someone, and we are here to talk with them. Exactly. So love, the connection is love and caring about and supporting the way they are, and making them realize they are very important people, and we do care about them. So. How do we do this service? The people do come and donate whatever they want to. We keep it quite open
grocery essentials, fresh food, cooked food, uncooked food, every Thursday, and plus we do home deliveries. Be with us whenever you can, guys, and be part of this very important service, because we are blessed by God and it is our duty to share. That's right, that's right. So we're here to just be a blessing to everybody, as God has blessed us, so we bless people back. And we believe that it is more blessed to give than to receive, and we're here to keep giving because God has constantly blessed us abundantly. Absolutely. Amen. That's good. Thank you.